कि लाखों साल की टीवी को मैं थारी जड़ तक काट चलाऊं, लाखों साल की टीवी को मैं थारी जड़ तक काट चलाऊं, अरे हिस्सा लियो या ना लियो थोड़ा हिस्सा बांट चलाऊं, बड़े बड़े तुम्हें मंच मिलेंगे चढ़ियो या ना चढ़ियो, और बड़े बड़े तुम्हें कॉलेज मिलेंगे पढ़ियो या ना पढ़ियो। ये पैगाम है भारत के हर कंटेंट क्रिएटर के नाम। और भारत को संविधान देने वाले अंधों को आगे, गूंगों को जवान, भैरों को कान, और फाटे नारी को सम्मान देने वाले फाटे संविधान निर्माता परम पूजनीय बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर साहब काशीराम जी को भी कोटि कोटि नमन करते हुए, और हमारे बीच में उपस्थित एक ऐसा महानायक, एक ऐसा खून जिन्होंने मजलूमों की, शोषितों की, पीड़ितों की, वंचितों की, गूंगों की, बहरों की आवाज बनकर काम किया और देश में छुआछूत, बराबरी, समानता और भाईचारा पैदा करने का काम किया, उस परिवार का लहू, उस परिवार का खून आज उस कार्य को आगे बढ़ाने के लिए श्रद्धेय बाला साहब आदरणीय मेरे गुरु तुल्य प्रकाश राव अम्बेडकर जी, मैं उनको भी बार बार बहुत बहुत सम्मान करते हैं। और इस कार्यक्रम के आयोजक गिरिराज भाई और पूरी कमेटी और मेरी शंकर सिंह बहन जिसने इस कार्यक्रम के लिए बहुत मेहनत की है, मेरी बहन तेरा छोटा भाई आज तेरे से वादा करके जा रहा है इस राजस्थान की धरती से, यह पसीना तुम्हारा भाई बेकार नहीं जाने देगा। मैं काम करने वाला व्यक्ति हूँ, भाषणबाजी कम करता हूँ, लेकिन मैं आपको यह कहना चाहता हूँ, बाबा साहब ये कहकर गए कि लाखों साल की टीवी को मैं थारी जड़ तक काट चलाऊं, लाखों साल की टीवी को मैं थारी जड़ तक काट चलाऊं, अरे हिस्सा लियो या ना लियो थोड़ा हिस्सा बांट चलाऊं, बड़े बड़े तुम्हें मंच मिलेंगे चढ़ियो या ना चढ़ियो, और बड़े बड़े तुम्हें कॉलेज मिलेंगे पढ़ियो या ना पढ़ियो। बहुजन समाज के लोगों, बाबा साहब ने तो सब कुछ किया है, सब अधिकार दे कर गए, लेकिन हमने क्या किया, हमने बाबा साहब के मिशन को कितना आगे बढ़ाया। आज हमारा बहुजन समाज यह वही राजस्थान है जिसमें कार्तिक भील को मार दिया जाता है, यह वही राजस्थान है जिसमें मटकी छूने पर मार दिया जाता है, यह वही राजस्थान है जिसमें मूछ रखने पर मार दिया जाता है, यह संविधान नहीं है, यह मनुस्मृति है। मैं आपसे बहुजन समाज के नवे कहना चाहता हूँ, अगर संविधान खतरे में है तो तुम्हारी रगों में खून नहीं पानी बह रहा है, तुम्हारे मुंह पे जा रहा हूँ। आज भी प्रदेश के अंदर मनुस्मृति लगी हुई है, क्या बाबा साहब के बच्चों में फर्ज नहीं बनता यह संविधान की सुरक्षा करने का, क्या बाबा साहब के बच्चों का यह फर्ज नहीं बनता कि संविधान की सुरक्षा कर सके, बाबा साहब के मिशन को आगे बढ़ा सके। मुझे बहुजन समाज के लोगों, मैं बड़ा भावुक होकर कह रहा हूं ये बात कि हम इतने साहब काशीराम जी एक बात कहते थे कि अपने में नालायक समाज को लायक बनाने के लिए आऊं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो आज भी लायक बनाए, वो आज भी बाबा साहब के दिए हुए अधिकारों पर नमक हरामी कर रहा है, कड़वाए लेकिन सत्य है। ये जो महान शख्सियत हमारे सामने बैठे हैं, प्रकाश राव अम्बेडकर जी, बहुजन समाज के लोगों, हमें बड़ा दुख होता है कहते हुए कि बाबा साहब के परिवार से कान खोल कर सुन लेना, ऐ बहुजन समाज के लोगों, जिस परिवार ने हमें संविधान दिया, सब अधिकार दिए, उस परिवार से हमें मुख्यमंत्री नहीं बना सके, तो क्या है हमारी जिंदगी पर, किस बात का अम्बेडकर की बात कर रहे हो, कौन से बाबा साहब की बात कर रहे हो। आप लोग सोचोगे कि ये भाई भाषण देने के लिए आए हैं, धमकाने के लिए, नहीं, कड़वा काम करने वाला व्यक्ति हूँ, जब जरूरत पड़ेगी तो लहू की बात हुआ तुम्हारे लिए, और जब काम करता हूँ पूरे देश में, लेकिन तुम्हें सच्चाई बताना चाहता हूँ, तुम्हें मीठी मीठी बातें देकर गोली देकर नहीं जाना चाहता, यहाँ से सच्चाई बताना चाहता हूँ, बाबा साहब का मिशन आगे नहीं बढ़ रहा है। मैं फिर से कह रहा हूँ, जो महान शख्सियत बैठी है
बाबा साहब के परिवार से एक सीएम पैदा नहीं कर पाए। बहुजन समाज के लोगों किस बात की बाबा साहब की बात करते हैं, कौन से अम्बेडकर बात की बात करते हैं। मैं अपनी बात को ज्यादा लंबी नहीं करते हुए बस ये कहना चाहता हूं कि अगर आर्थिक और सामाजिक बेड़ा तोड़ना चाहते हो, जुर्म इतना बुरा नहीं है। बाबा साहब ये कहते थे कि जुर्म इतना बुरा नहीं है जितनी खामोशी है। अगर जीना चाहते हो तो कोहराम मचा दो बहुजन समाज के लोगों, संविधान को हाथ में लेकर सरकार को भी आंदोलन करो। सब बाबा साहब ये कहकर गए कि अधिकार कभी मांगने से नहीं मिलेंगे। फूलों की इमारत काटने की आदत है और अधिकार कभी मांगने से नहीं मिलते, अधिकार छीने जाते हैं। अगर ये पेड़ियां तोड़ना चाहते हो, उत्पीड़न उसका होता है जो कमजोर होता है। हमें कमजोर इसलिए क्या गया, पहले हमारी आर्थिक बेड़ियों को तो जकड़ा गया, फिर सामाजिक बेड़ियों में जकड़ा गया। अगर इन सामाजिक बेड़ियों को, आर्थिक बेड़ियों को तोड़ना चाहते हो तो हमने आरक्षण और जमीन का भी आंदोलन शुरू किया है। जब तक वो आंदोलन पूरा नहीं होगा, जब तक तुम्हारी आर्थिक और सामाजिक बेड़ियों को आपका बेटा आपका भाई मनजीत सिंह नौटियाल नहीं तोड़ देता, तो तुम्हारे लिए बड़ी ईमानदारी से लड़ता रहूंगा जिस तरह से पहले लड़ता आया। मैं अपनी बात को अंतिम रूप देते हुए बस ये कहना चाहता हूं बहुजन समाज के लोगों, ये चांद ये सितारे मेरे साथ में रहे, जब तक आपका हाथ हमारे हाथ में रहे और साग से टूट कर गिर जाए वो पत्ते नहीं है, आंधियों से कहते ना औकात में रहे। और साहब के लिए बस मैं ये कहना चाहता हूं उनके सम्मान में कि साहब मैं भी एक बाबा साहब का खून हूं, उनके परिवार का सदस्य हूं और आपका बेटा हूं, बच्चा हूं आपका। आपका जो आदेश होगा उसे मजबूती से लागू करेंगे, उस पर काम करेंगे, उस पर खून पसीना बहा देंगे, धूप में काम करेंगे। और इस बहन के लिए कहना चाहता हूं एक इस बहन ने कार्यक्रम किया, मेरी बहन भाई के लिए आदेश कर देना जब चुनाव लड़ोगी। ये भाई वादा कर रहा है कि लठ अगर ना काट देना मां हटूंगा नहीं और जीत कर दिलाऊंगा। जय भीम जय संविधान जय बाबा साहब का।